Right, heading fitting reaction. Fitting reaction. What is fitting reaction? When air is halides, react with sodium in presence of water, then two air halides group link together and give biphenyl. ठीक है, जब जो है air halides, when air halides react with sodium in presence of water, then two aryl groups linked and gives biphenyl. ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन. इस रिएक्शन क्या कहते हैं? फिटिंग रिएक्शन कहते हैं. तो जैसे C6H5Br plus 2Na और C6H5Br in presence of ether gives C6H5 plus 2NaBr. ठीक है, आप बताइए ये आपका बाइफिनाइल. ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन. ये रिएक्शन क्या कहलाता है? फिटिंग रिएक्शन कहलाता है. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाए पोर फिटिंग रिएक्शन. जैसे पोर रिएक्शन क्या होता है बताइए? व्हेन एल्केन हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर देन हायर एल्केन्स आर फॉर्म, है ना, तो आपका पोर रिएक्शन कहलाता है. अब दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा? पोर फिटिंग रिएक्शन मिल जाएगा. क्या मिलेगा? पोर फिटिंग रिएक्शन. पोर फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा? देखिए, पोर रिएक्शन में एल्केन हैलाइड और सोडियम ईथर का रिएक्शन होता है. फिटिंग रिएक्शन में एरिल हैलाइड सोडियम और ईथर का रिएक्शन होता है ना. तो पोर फिटिंग में क्या होगा? मिक्सचर ऑफ एल्केन हैलाइड और एरिल हैलाइड लिया जाएगा. मिक्सचर ऑफ एल्केन हैलाइड और एरिल हैलाइड लिया जाएगा और इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाएगा? सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर. तो क्या मिलेगा बताइए आपको? एल्केन, तो आपको मिलेगा एल्केन एरिन मिलेगा. क्या मिलेगा? एल्केन एरिन. ये रिएक्शन क्या कहलाता है? पोर फिटिंग रिएक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है? पोर फिटिंग रिएक्शन. ठीक है, तो पोर फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा? पोर फिटिंग रिएक्शन में एल्केन हैलाइड लेंगे. जैसे कोई भी एल्केन हैलाइड ले लीजिए, जैसे ये C2H5Br ले लिया हमने. ठीक है, प्लस सोडियम. अब कोई एरिन ले लीजिए, जैसे C6Br C6H5 ले लेते हैं. हां, अब इंपॉर्टेंस ऑफ जब दिस मिक्सचर रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा तो सोडियम ब्रोमीन रिएक्ट करेंगे, है ना. ठीक है, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका C6H5 सिंगल वन C2H5 और प्लस 2NaBr बन जाएगा ना. ठीक है, ये क्या चीज है बताओ? ये आपका एथिल फिनाइल ना. ठीक है, एथिल बेंजीन के लिए. और इसमें जो है जैसे C6H5 सिंगल वन C6H5 भी बनेगा. ठीक है, और C2H5 सिंगल वन C2H5 भी बनेगा. ठीक है, चलिए कॉपी करिए. दिए गए सर आपको चले इतना.